अब हमने क्या करना है, इस वाले को हम पॉइंट ओ ले लेंगे। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे एबीडी। हमें गिवन है कि ई एफ ए बी के पैरेलल है, तो इट मींस ई ओ विल आल्सो बी पैरेलल टू ए बी। ई मिड पॉइंट है, ई ओ पैरेलल है, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ओ विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बी। सेकेंड ट्राइंगल ले लेंगे हम बी सी डी। अब बी सी डी में बेटा इतनी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है? बी सी डी में हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं दैट ओ इज द मिड पॉइंट। अगेन ओ एफ पैरेलल है सी डी के, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है। अगर ई एफ ए बी के पैरेलल है तो वो सी डी के भी पैरेलल होगी। तो मिड पॉइंट है, पैरेलल लाइन गिवन है, तो दिस मींस की अगेन बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एफ विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। हमें यही चीज प्रूव है, गॉट इट? तो आपको गिवन में क्या क्या लिखोगे आप? फर्स्ट पॉइंट यू विल राइट डाउन ए बी सी डी, अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल डी सी। सेकेंड यू विल राइट डाउन ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ई एफ इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल गिवन है? ए बी के सी डी के, ए बी के। तो टू प्रूफ में आप लिखोगे एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। देन कंस्ट्रक्शन जॉइन बी डी अगर गिवन है ऑलरेडी देन इट्स ओके। फिगर में गिवन है देन यू विल नॉट राइट डाउन। फिर आप प्रूफ में सबसे पहले ये लिखेंगे सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू सी डी आल्सो। ठीक है, उसके बाद फिर आप ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, इसमें E is the midpoint, ये हमें given है। EF parallel implies EO is parallel to AB, so by converse of midpoint theorem, O is the midpoint of BD. Then in triangle BCD, O is the midpoint, OF is parallel to CD, therefore by again converse of midpoint theorem, F is the midpoint of BC. तो ये आपने प्रूव करना है, कर लोगे, लिख लोगे? And one thing more, on 17th of November, your notebooks will be collected for checking by the principal ma'am. Before that, up to 15, अपनी notebooks complete करके मेरे से check करवा लो। 15 के बाद मैं किसी की notebook check नहीं करूँगी, फिर आप unchecked ही ma'am के पास भेजेंगे, क्योंकि मैं already defaulter list ma'am को दे चुकी हूँ। तो accordingly, अब आपके पास मतलब आपको कह लो कि 1 week का time ma'am की तरफ से दिया गया है that you can complete your notebook. ठीक है, इसके बाद मैं नहीं आपसे नोटबुक्स मांगूंगी, यू हैव टू कम टू मी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली, शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्रायसेक्ट द डायगोनल बी डी। अब हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी, उसमें मिड पॉइंट्स गिवन है। So ABCD is a parallelogram in which we are given E and F are the midpoints of the sides AB and CD respectively. E is the midpoint hai, aur F is the midpoint hai. Then join kiya gaya hai A ko F se aur idhar C ko E. Show that the line segments AF and EC trisect the diagonal B. What do you mean by trisect? Into three equal parts. It's dividing it into three equal parts. So this we are to show. Clear? Triangle B C A B. हमें शो करना है दैट डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी। ठीक है, टू प्रूफ क्लियर है? क्या क्या प्रूफ करना है? गिवन क्या क्या है हमें?
Second, respectively की फॉर्म में लिख लो या फिर इस फॉर्म में आप लिख लो F is midpoint of C D. और कुछ गिवन है to prove this is for that is, इसका मतलब है that is dp equal to pq equal to qp. हाँ जी, क्या करें? A, B and B. A, P, B. And B, Q. एक आप ये ले रहे हो? ठीक है, और दूसरी पीक्यूसी कलर है चौक सर्किल में? नहीं, एक मिनट, इधर से उठा लो क्लास में. ई इन ट्रायंगल एबीसी, ई इज मिड पॉइंट, इट इज नॉट गिवन टू द मिड पॉइंट. आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ए ई सी एफ को आपको पहले ए ई सी एफ को एक पैरेललोग्राम शो करना होगा. देन हमें ये मिड पॉइंट गिवन है, ये लाइन पैरेलल होगी तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से ये आ जाएगा क्यू मिड पॉइंट आ जाएगा पी बी का. सेम वे में पी मिड पॉइंट आ जाजाएगा इसका एंड योर पर्पस विल बी सॉल्व. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू आर टू शो दैट ए ई सी एफ इज अ पैरेलल. उसके लिए क्या करें? कलर्ड अच्छा जी, ओके थैंक यू. ई इज द मिड पॉइंट, सो ए ई जो है दैट इज इक्वल टू ई बी. डी एफ इज इक्वल टू एफ सी. सेम वे में अगर फुल साइड इक्वल हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, यानी ए ई इज इक्वल टू एफ सी. ऑल्सो ए ई इज पैरेलल टू एफ सी. अगर फुल लाइंस पैरेलल हैं तो उनके हाफ भी पैरेलल रहेंगे. तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, इट इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम शो हो गया. देन जो आप स्टेप्स बता रहे थे वी विल मूव ऑन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन, सिंस ए बी is equal to CD, therefore half of AB is equal. मुझे ना इधर से continuity में बोलने की आवाज आ, और वो भी boys. Half of AB is equal to half of CD. ठीक है, अब half of AB हम लेंगे इधर से AE और half of CD क्या लेंगे? CE. Also, AE is parallel to CF. यहाँ reason दे दो as AB is parallel to CF. अब यहाँ लिख देंगे आप since one pair of opposite sides are equal and parallel, matches the parallel. One pair of opposite sides of ABCD, AEC. Is equal, so it is a parallel. अब वहां से उठो एंड शिफ्ट टू द लास्ट बेंच. हाँ जी, हेयर इट विल बी एफ एंड हेयर इट इज बी. ठीक है, चले आगे.
Since one pair of opposite sides of the quadrilateral is equal, therefore it is a parallelogram. अब हमने शो करना है कि Q मिड पॉइंट है PB का और P मिड पॉइंट है D Q का. गिवन एंड टू प्रूव कर दो इरेस. चलिए यहां तक नोट डाउन कर लो. अब इन ट्राइंगल APB आई हैव टू शो दैट Q is the midpoint of PB. अब देखो E मुझे पता है E midpoint है और क्योंकि ये आपका parallelogram है तो EC और AF आपस में parallel है. EC और AF आपस में parallel है means EQ is parallel to AQ क्योंकि Q और P जो है वो point उन lines के लाइक है. P midpoint ये parallel so by converse of midpoint theorem Q is the midpoint of B. सिमिलरली P will be the midpoint of B. तो midpoints आ गए तो आपका जो purpose है वो solve हो जाएगा. It is a parallelogram implies यहाँ एक line और add कर लो. CE is parallel to EC is parallel to AF. Now in triangle APB, E is the midpoint. Of AB and EQ is parallel to AB. Therefore, by converse of midpoint theorem, Q is midpoint of PB. This implies PQ is equal to QB. Let this be your equation number one. Similarly, आप triangle DQC लेके चलेंगे. दोबारा देखो इसको. हम इस triangle की बात कर रहे हैं जिससे हमने show कर दिया ये दोनों sides parallel हैं. अब E midpoint है ठीक है इस वाली side का और ये वाली साइड इसके पैरेलल. हमने क्या कंसेप्ट किया हुआ है ये मिड पॉइंट से अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इस वाली साइड को मिड पॉइंट पे कटते हैं. तो ये ट्रायंगल हमने घुमा दी ये मिड पॉइंट है ये लाइन इसके पैरेलल है तो दिस पॉइंट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ द थर्ड. ठीक है सिमिलरली इन ट्रायंगल DQC P is the midpoint of DQ. Implies DP is equal to PQ. Let this be your equation number two. अब वन और टू से क्या आ जाएगा आपके पास DP equal to PQ equal to QB. That is AC and EF trisect BD. Is this clear? If any doubt is there, you can ask. Otherwise, moving on to question number six now. And with this, sir, this chapter will be over. 7 PM. Okay. Haan ji, done, bete? No. Yes. Yes.
ये लिख रहे हैं हर सिंगर एंड इज ही राइटिंग जो बट आप नहीं लिख रहे हो डन बेटे चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सिक्स नाउ इन क्वेश्चन नंबर सिक्स वी आर गिवन शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है अगर उसके मिड पॉइंट्स को हम जॉइन करते हैं लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड बाइसेक्ट ईच अदर एक क्वाड्रिलेटरल बना लो कोई भी उसके मिड पॉइंट्स ले लो मैंने ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लिया ए बी सी डी यू मस्ट बी श्योर दैट ये ना तो आपका पैरेललोग्राम हो ना रेक्टेंगल ना रोम्बस ना स्क्वायर ना ट्रेपीज ठीक है क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए हमें शो करना है दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड तो ये मैंने ई लिया ये मैंने एफ लिया इसका मिड पॉइंट इट्स मिड पॉइंट इज जी एंड इट्स मिड पॉइंट इज एच And I have to show that line segments joining the midpoints of opposite sides bisect each other. ठीक है? मुझे ये show करना है that A, G, E and H, F bisect each other. हम क्या करेंगे? हम इनको join कर देते हैं. इसको मैं एक parallelogram show कर दूँ. So I know that the diagonals of a parallelogram bisect each other. I hope now you can. क्या करना है इसके लिए जस्ट करण आप बताएंगे चलिए पहले आप तो मुझे ये बताइए कि आपने सुना मैंने क्या कहा कि क्या प्रूफ करना है यू डिडंट लिसन हमें शो करना है दैट जी ई एंड एच एफ बाइसेक्ट ईच अदर उसके लिए हमने सिंपली ये शो कर देना है दैट जी एच ई एफ इज अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर हो जाएगा ठीक है अब इसको पैरेललोग्राम कैसे शो करते हैं शुरू से अभी तक भी यही सब क्वेश्चन में यही कुछ करते हैं लेट मी टेल मैंने ये डायगोनल ले लिया ए सी अब मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है कहाँ लगेगी Let him tell कहाँ लगेगी मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है हाँ जी क्या कहती है मिड पॉइंट थ्योरम इट मीन्स आपने ये एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन नहीं सुना ना और अभी भी बातें कर रहे थे आप यस साइमन कौन सी चॉइस कॉन्ग्रुएंसी कहां से आ गई बीच में हाँ तो मिड पॉइंट में कॉन्ग्रुएंसी कहां से आ गई कौन सा ट्रायंगल लूं मैं हेवन सीधे होके बैठ जाओ आप आयुष आई एम सॉरी
ए बी मैंने जो फिगर बता बनाई है इसके अकॉर्डिंगली शुभम बैठ जाओ तीनों बैठ जाओ और इधर ध्यान से सुनो एक भी क्वेश्चन ध्यान से सुना होता ना यू वुड हैव बीन एबल टू टेल दिस ए बी सी एंड हाँ इनको क्यों आपको ये पता है हमने प्रूफ क्या करना है डू यू नो दिस फिर बातों में बिजी है जस करण सुनना तो है ही नहीं ना कि क्या बोला है मैम ने प्रगुन बैठो शुभम बैठो बातें हाँ जी मिलन बैठो प्रगुन बैठ जाओ आपका जी एच और ई एफ पैरेलल आ जाएगा और इक्वल आ जाएगा ट्राइंगल ए बी सी लेंगे ए बी सी में ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली इनको ज्वाइन करोगे इस ट्राइंगल में यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम ई एफ इज पैरेलल टू ए बी सी एफ इज हाफ ऑफ बी ट्राइंगल हो गए ए सी बी इसमें जी एंड एच आर द मिड पॉइंट्स ऑफ सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली सो ज्वाइनिंग दिस लाइन सेगमेंट दिस विल बी पैरेलल टू ए सी एंड हाफ ऑफ ए सी अगर ये दोनों हाफ ऑफ एसी के इक्वल है आपस में इक्वल भी होंगी अगर ये दोनों एसी के पैरेलल है तो आपस में भी पैरेलल अब वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ये वाला इक्वल एंड पैरेलल सो इट इज अ पैरेललोग्राम एंड द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाईसेक्ट ईच अदर इट मींस लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स बाईसेक्ट ईच अदर गॉट इट राइट डाउन द गिवन क्या क्या गिवन है सेवन मार्क्स उसके फर्स्ट बेंच पे आ गया हां जी क्या हुआ बेटा पूछना है कुछ गर्ल्स पूछना है ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी जी इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी एच इज मिड पॉइंट ऑफ बी कंस्ट्रक्शन हमने कर ली टू प्रूफ लिखो पहले क्या प्रूफ करना है ई जी एंड एच एफ बाइसेक्ट ईच अदर लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स बाइसेक्ट ईच अदर प्रूफ यू आर नॉट राइटिंग कंस्ट्रक्शन कर ली मैंने ज्वाइन किया ए को सी से इन ट्राइंगल एबीसी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स
आप यहाँ भी चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं। सार्थक क्या हो गया? ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू ए सी एंड ई एफ इज हाफ ऑफ ए सी। ब्रैकेट में यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। This is your equation number one. हाँ जी, given or to prove कर दो ये रेस। Yes, ma'am. Quiet, quiet. Similarly, in triangle ACD, quickly complete this. HG is equal to half of AC, and HG is parallel to AC. Let this be your equation number two. From equation one and two. HF and GE. Diagonals of a parallelogram bisect each other. So this was your question number 6. Tomorrow we will do question number 7.